हेलो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके एडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ़ रुपी को अगर समझेंगे इन सिंपल टर्म्स तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ़ रुपीस मतलब रुपी में कन्वर्ट करना राइट right? तो अगर आपके पास फॉरन करेंसीज़ हैं और आप रुपेज चाहते हैं तो आप फ़ॉरन करेंसीज दे के रुपये लेंगे राइट right? इसी तरह अगर आपके पास रुपये हैं और आपको फॉरन करेंसीज चाहिए तो आप क्या करेंगे रुपये दे के फ़ॉर करेंसीज लेंगे मतलब ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना फॉरन एक्सचेंज मतलब फ़ॉरन करेंसीज़ का में और रुपए का फॉरेन करेंसीज़ में ये कन्वर्जन ही क्या कहलाता है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कहलाता है तो बेसिकली इट रिफर्स टू द सिस्टम अंडर विच रुपी कैन बी कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉरन करेंसीज़ विदाउट एनी लिमिटेशन एंड कंट्रोल मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर रुपीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉरन करेंसीज़ में विदाउट एनी लिमिटेशन कोई लिमिटेशन और कंट्रोल नहीं कि जैसे क्वान्टिटी पर लिमिटेशन लगे कि सिर्फ इतने तक ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं या इसी पे कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह का कोई लिमिटेशन या कंट्रोल नहीं रहेगा आप फ्रीली उसको अपने करें अपने रुपए को कर फॉरेन करेंसीज में या फॉरेन करेंसीज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसी सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कहते हैं तो बेसिकली जो कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं ना कि हाँ ये हम रुपये में कन्वर्ट कर ले रहे हैं रुपी को फॉरन करेंसीज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो उसके लिए एक सिस्टम इस्टाब्लिश करते हैं मतलब कि एक रेट हमारा होता है रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जिस रेट पर हम क्या करते हैं हम इस कन्वर्जन को कम्प्लीट करते हैं मतलब इसी रेट पर रुपी फ़ॉरन करेंसीज़ में कन्वर्ट हो या फॉरन करेंसीज रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे और ये जो रेट होता है ना वो किसके थ्रू डिसाइड होगा मार्केट फोर्स के थ्रू मार्केट फोर्सेज का मतलब डिमांड एंड सप्लाई तो यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी के केस में वो कहते हैं कि कन्वर्टेबिलिटी का एक सिंपल सा समझिएगा कि जिस रेट पे इसको कन्वर्जन करना है ना वो मार्केट डिटरमाइन करें है ना फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे वो डिटरमाइन होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कहलाता है तो अगर हम इसको लिखेंगे एग्ज़ाम में या इस तरह से एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरह समझना चाहें तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का क्या मतलब होता है Convertibility of rupee means when currency of a country can be freely converted into foreign exchange.

पर्टिकुलर करेंसी की क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है उसके बेसिस पे मतलब क्या कहने का हुआ कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपये का मतलब होता है कि आपकी जो रुपए है वो फॉरेन करेंसीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी है ना या फॉरेन करेंसीज रुपए में कन्वर्ट होंगी जिस रेट पे कन्वर्ट होंगी वो रेट मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन हो और मार्केट फोर्सेज का मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वो रेट डिसाइड हो उसी रेट पर यह कन्वर्जन हो तो उसे हम कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी एकदम सिंपल मैं बोलूँ कन्वर्टिबिलिटी मतलब कन्वर्जन करेंसी कन्वर्जन है ना अब यहाँ पर हम इंडियन टर्म्स में बात करें तो इंडियन की रूपी ले रहे हैं पर अगर आप इसे किसी और करेंसी के टर्म में बात करेंगे ये लाइक कहेंगे के तो आप कहेंगे कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ यन सिंपली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी है ये कि हम एक करेंसी को दूसरी अदर कंट्री की करेंसीज से अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी कहलाता है राइट और जब हम इंडियन टेक्स्ट में इस बात को बात करते हैं तो इंडियन करेंसी क्या हो गई हमारी रुपीस तो जब हम रुपीस को कन्वर्ट करते हैं किसी फॉरेन करेंसीज में या फॉरेन करेंसीज को रुपीस में करते हैं और जिस रेट पे करते हैं वो मार्केट डिटरमाइंड फोर्स हो तो हम उसे कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी सिंपल कन्वर्जन और जिस रेट पर होता है वो रेट इंपॉर्टेंट है उसी रेट को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट पर वो रेट कौन डिसाइड करेगा गवर्नमेंट नहीं वो रेट डिसाइड करेगा मार्केट फोर्सेस तो यहां इंपॉर्टेंट दो ही फ्रीली ट्रेडेड हो रहा हो और रेट जो हो मार्केट फोर्सेज के थ्रू डिटरमाइन होगा क्लियर है तो अगर इन चीजों को हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि इट हु हैव फॉरेन एक्सचेंज जिनके पास भी फॉरेन एक्सचेंज है लाइक like आपके पास डॉलर है येन है स्टर्लिंग है पाउंड है कोई करेंसीज है आपके पास आप कैन गेट दम कन्वर्टेड इन टू रुपीज़ आप उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले रहे हैं या वाइस वर्सा आपके पास रुपीज़ है और आपको कोई फ़ॉरन करेंसीज चाहिए आप उसमें उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं आप रुपये दे के फ़ॉर करेंसीज पा जा रहे हैं या फ़ॉरन करेंसीज दे के रुपये पा जा रहे हैं तो और किस रेट पे पा रहे वो मार्केट डिटरमाइंड रेट हो तो उसी को हम कहेंगे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी सिंपल कन्वर्जन ऑफ रुपीस आपके पास बाहर की करेंसी है रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए जिस रेट पे कन्वर्ट करिए वो मार्केट डिटरमाइंड रेट हो तो उसी को हम कहेंगे कन्वर्टिलिटी ऑफ रुपी सिंपल कन्वर्जन एक्सचेंज है ये करेंसीज का एक्सचेंज की बात कहते हैं तो अगर हम इंडियन टैक्स में बात करते हैं तो नाइनटीन में जब यूनियन बजट आया तो हमारी जो इंडियन रुपी थी वो पार्शियल कन्वर्टेबल हुई मतलब ये नहीं था कि मार्केट फोर्सेज ही सारा रेट डिसाइड करती थी जो रेट डिसाइड करती रेट पे कन्वर्जन हो जाएगा किसी भी करेंसी में है ना ऐसा नहीं था तो यहां पे था, थी. मतलब कुछ तो मार्केट फोर्सेस के थ्रू होगा और कुछ मार्केट फोर्सेस के थ्रू नहीं होगा मतलब गवर्नमेंट या आपकी आरबीआई के थ्रू होगा तो इस सिस्टम के अंदर जो यूनियन बजट नाइनटीन में कहा गया कि पार्शियली कन्वर्टेबल होंगी आपकी इंडियन रुपी उसमें क्या कहा गया इस सिस्टम के अंदर कि सिक्सटी परसेंट जो होगा आपकी रिसिप्ट आप जिसको कन्वर्ट करने के लिए ले आए हैं उसका जो सिक्सटी परसेंट होगा वो फ्रीली कन्वर्ट होगा मार्केट डिटरमाइंड रेट पे मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे आप उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं राइट right? रुपी में और जो फोर्टी परसेंट होगी आपकी अर्निंग्स मतलब आपने बाहर से अर्निंग करी अब आप उसको इंडिया में कर रहे हैं तो आपके करंट अकाउंट में कन्वर्जन जो हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग फोर्टी परसेंट आप कन्वर्ट करेंगे रुपए में वो आपका किस रेट से डिटरमाइन होगा आपकी गवर्नमेंट के रेट से मतलब आर जनरली उस रेट को डिटरमाइन करती थी उस रेट से डिटरमाइन होगा तो मान लीजिए आपके पास हैंड्रेड है और हंड्रेड को कन्वर्ट करना है तो सिक्सटी कन्वर्ट कैसे होगा मार्केट डिटरमाइन रेट से और फोर्टी कैसे कन्वर्ट होगा आपका जो आर ने रेट दिया होगा उस रेट से और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो आरबीआई का रेट होता वो जनरली मतलब जो गवर्नमेंट डिटरमाइंड रेट होते थे इसको ड्यूबल रेट कहा जाता था कि यहां पर कन्वर्ट करने का पार्शलबिलिटी इंडिया में थी वो ड्यूबल रेट बेस्ड थी कि कुछ परसेंटेज तो हमको मार्केट डिसाइड करके देता था तो उस रेट पर होता था और कुछ हमें किस पे होता था ऑफिशियल के रेट पे होता था तो दो रेट हमारे पास चलते थे लेकिन 1994 में क्या हो गया कि इंडिया में जो हमारी रुपी कन्वर्टेबल थी वो फुल्ली कन्वर्टेबल हो गई मतलब पूरा का पूरा जो कन्वर्ट कन्वर्जन होगा वो किस रेट पे होगा मार्केट डिटरमाइंड रेट पे होगा है ना तो ज़्यादा डिकेट तक आपका ये चला नहीं अप्रॉक्स वन ईयर तक में ही ये चीज़ें आपकी हो गई थी जो आपकी रुपी थी वो आपकी क्या हो रही थी फुल्ली कन्वर्टेबल हो गई थी डुबल रेट पे बेस्ड नहीं थी अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि रुपये को कन्वर्ट करने के क्या एडवांटेज हैं तो पहली बात तो होती है इंकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट देखिए सिंपल सी बात है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुप कोई नया टर्म नहीं है जो आप जनरली जानते हैं कि करेंसी एक्सचेंज करना कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करना तो उसी को हम कन्वर्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी या कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी एक टर्म्स के थ्रू डिनोट कर रहे हैं वही आपका बैलेंस ऑफ जो फॉरन एक्सचेंज के टर्म्स आप पढ़ते आए हैं वो वही चीजें हैं बस टर्म्स मतलब नाम उनको हमने अलग करके रखा हुआ है राइट तो इसका एक एडवांटेज क्या हो गया इंकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट कि कर्वर्टिविटी ऑफ रुपी की वजह से क्या होता है एक्सपोर्ट इनकेज होता है कैसे होता है देखिए जो मार्केट रेट डिसाइड करती है ना मतलब जो आपका ऑफिशियल रेट है आर के थ्रू जो रेट है वो रेट और जो मार्केट रेट डिसाइड करते हैं वो हमेशा मार्केट रेट ज़्यादा होता है किस रेट से ऑफिशियल जो रेट डिसाइड करती है उससे तो इससे क्या होता है आपको कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा मिलता है क्यों क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उनको जो कन्वर्ट करके पैसे आएंगे वो ज़्यादा मिलेंगे तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि कन्वर्टोलिटी है? ऑफ रुपी की वजह से एक्सपोर्ट इंकरेज होता है एकदम सिंपल से लैंग्वेज में इसको समझिए कि अगर आ, हम आर बी हमारी डिसाइड करती और आर देखते हुए सब कुछ कहती है कि भाई आप अगर कोई एक डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको सिर्फ पचास रुपये मिलेगा राइट वहीं पे जो मार्केट में फ्रीली जो ट्रेड हो रहा है और मार्केट रेट जो डिसाइड कर रही है मार्केट फोर्सेज जो डिसाइड कर रही हैं वो कह रही हैं कि एक डॉलर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सत्तर में अब उस मार्केट में हमारा रेट कैसा है हमारी कंट्री की वैल्यू डप्रिशिएट है और हमारा रेट ओवर वैल्यूड दिख रहा है मतलब तो आपको सत्तर दिख रहा है प्राइस कितनी दिख रही है सत्तर दिख रही है तो अब क्या हो गया यहाँ पे जो रेट लगा है वो पचास आपको देगा वहां जो रेट लगा है वो क्या देगा आपको सत्तर देगा अब हो क्या गया हमारे इंडिया में फ्रीली कन्वर्टेबल है तो मतलब हम करेंसीज uh, को मार्केट रेट पे डिसाइड होकर जो मार्केट रेट होता है उस पर कन्वर्ट करते हैं तो अगर मैं ऑफिशियल रेट पर करती तो अपना अगर एक सामान मैं बाहर भेजती तो मुझे एक डॉलर पैसे आते उस एक डॉलर को मैं अपनी कंट्री में तो चला नहीं सकती थी उसको मुझे कन्वर्ट करना था तो जब मैं रुपये में कन्वर्ट करती तो मेरे पास आरबीआई के रेट के हिसाब से पचास रुपये आते लेकिन अगर वो मार्केट रेट पर डिटरमाइन हुए और मार्केट रेट से पैसे तो जब मैंने वही एक डॉलर सामान जो भेजा था उससे एक डॉलर जो मुझे मिला उसको जब रुपए में कन्वर्ट करी तो मुझे कितने मिले सत्तर रुपये मिल गए तो सेवेंटीज़ रुपीज़ मुझे सेम चीज़ के मिल रहे हैं और वहीं पर अगर आर की बात मानते तो कितने मिलते फिफ्टी मिलते तो अभी मुझे सेवेंटी मिल रहे है ना तो कन्वर्टेबिलिटी की वजह से एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलता है तो जब एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है एक्सपोर्ट होता है लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं है ना तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है नेक्स्ट है इनकरेज इम्पोर्ट सब्सटिट्यूशन अब होता क्या है कि रुपये में कन्वर्टिबिलिटी थोड़ी एक्सपेंसिव इसलिए हो जाती है कि अब यही इसी सेम एग्जांपल को आप इस तरह समझिए कि आ, आपने जब एक्सपोर्ट किया और मार्केट रेट में डिसाइड किया तो कितना बोला उन्होंने सेवेंटी रुपीज़ बोला मतलब डॉलर का रेट क्या बोला सेवेंटी बोला और जो आर कर रही थी वो कितना कर रही थी फिफ्टी कर रही थी पर अब हम मार्केट रेट पर चल रहे हैं तभी तो हमारा एक्सपोर्ट इंकरेज किया पर अब अगर यही मार्केट रेट की बात करें इम्पोर्ट के लिए हमने बाहर से सामान मंगवाया है तो मुझे पैसा पेमेंट करना है एक डॉलर ही मुझे पेमेंट करना है अगर मैं आर बी के रेट से चलती तो मुझे सिर्फ पचास रुपये देने के बाद मैं एक डॉलर का पेमेंट करके काम खत्म फ्री हो सकती थी लेकिन अगर मैं मार्केट रेट पे जा रही हूँ तो मुझे एक डॉलर ही देना है लेकिन उसके लिए मुझे मेरे पास से कितने रुपए देने पड़ रहे हैं सत्तर रुपये देने पड़े हैं सेवेंटी रुपीज़ में दे रही हूँ तब मैं एक डॉलर का पेमेंट कर रही हूँ इनको मैं फिफ्टी रुपीज़ देती हूँ और मैं एक डॉलर का पेमेंट कर लेती इसका मतलब जब मार्केट रेट डिसाइड करी तो उस केस में क्या हो गया उस केस में हमारी जो मतलब जो आर का रेट होता है उस रेट से ज़्यादा ही मार्केट रेट होता है तो उसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है ना मैं पचास रुपये पे करके अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो सकती थी सामान मैंने मंगाया था मुझे बाहर पेमेंट करना है मैं पचास दे के अपने उनका पेमेंट क्लियर कर सकती थी लेकिन अभी मुझे सेवेंटी दूंगी तब जाके मेरा पेमेंट क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट मेरे लिए कैसा हो गया एक्सपेंसिव हो गया तो रुपये की कन्वर्टेबिलिटी की वजह से इम्पोर्ट कैसा होता है एक्सपेंसिव और जब हमें पता है कि वो चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है तो हम क्या करेंगे उसका सब्सिट्यूट ढूंढेंगे हम कोशिश ये करेंगे कि हमें वो चीज़ बाहर से मंगानी ही ना पड़े कि हमें उसका पेमेंट करना पड़े और कन्वर्जन की वजह मुझे ज़्यादा पेमेंट करने पड़े तो हम क्या करेंगे इम्पोर्ट को डिस्करेज होगा इसकी वजह से और क्या हमारे लिए जो सब्सिट्यूट हमारा जो होगा इम्पोर्ट का वो बूस्ट करेगा वो इंकरेज होगा तो हम इम्पोर्ट को कम करेंगे बट ऑब से इसका रिजल्ट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में पड़ेगा क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिंपल सा रूल है पैसा जितना आपकी कंट्री में आ रहा है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस की साइड ले जाएगा पॉजिटिव साइड में ले जाएगा और पैसा जितना भी आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट साइड में ले जाता है नेगेटिव साइड में मूव ऑन करता है तो इंपोर्ट हमेशा हमारे बीओपी में नेगेटिव डालता है एक्सपोर्ट हमेशा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव इंपैक्ट डलाता है आप चाहे वो ट्रेड में करो मतलब तो गुड्स में करो सर्विस में करो किसी में भी करो रेमिटेंस हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो पर बेसिकली पैसा आ रहा है या जा रहा है इनफ्लो है या आउटफ्लो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें क्या करना चाहिए इंपोर्ट का ढूंढ लेंगे तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कोशिश करती है कि का सब्सिट्यूट ढूंढने में आपको हेल्प करती है नेक्स्ट एडवांटेज क्या है टू रेमिटेंस फ्रॉम देखिए जो बाहर से पैसा आता है उस सेंस में इस चीज को समझिए कि पहले क्या था जो एनआरआईज होते थे जो बाहर लोग रह रहे होते थे हमारे तो उन वो पैसा हमारी कंट्री में भेजते थे अपने लोगों के लिए अपनी फैमिलीज के लिए पैसा भेजते थे हमारे कंट्री में तो चूंकि वो रेस्ट्रिक्टेड मोड था पहले तो उस रेस्ट्रिक्टेड मोड में होने की वजह से वो क्या करते थे कि पता था उनको कि भेज ज्यादा रहें पर कन्वर्ट होकर पैसा कम हमारे लोगों को मिल रहा है तो वो क्या करते थे इन वे ऑफ ऑप्ट कर लेते थे जनरली लोग इनिगल वे में पैसे भेजना थे हवाला का हो गया गोल्ड वगैरह के थ्रू हो गया इस तरह से गलत तरीके से पैसा भेजते थे क्योंकि कन्वर्टेबिलिटी का रेट इधर रेस्ट्रिक्टेड मोड था ज्यादा पैसा आप भेज भी नहीं सकते थे सब में रेस्ट्रिक्शन थी तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन ही यही बचता था पर जब रेस्ट्रिक्शंस हट गई तो एनआरआईज के लिए क्या हो गया इजली इंडिया पैसा भेज पा रहे हैं तो जब इंडिया देव अच्छे से पैसा भेज पा रहे हैं तो उससे क्या हो गया पैसे का इन्फ्लो इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है बाहर से पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इंप्रूव करेगा तो इंसेंटिव टू रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड तो बाहर से जो भी चीजें हैं ना वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव साइड में मूव ऑन करा रही थी इसके अलावा कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का क्या है रिडक्शन इन मॉल प्रैक्टिसेस जो मॉल प्रैक्टिसेस होती थी लाइक like, जैसे कि एक्सपोर्टर है अब हमको पता है कि जो प्राइस होगी वो ये लोग डिसाइड करेंगे आर वगैरह डिसाइड करेंगे और एक्सपोर्ट का प्राइस कुछ भी करेंगे तो उतना वो हमारे लिए सही नहीं तो हम क्या करते थे कि जो इन्वाइस तैयार करते थे एक्सपोर्ट के गुड्स का उसकी इन्वाइस का, का प्राइस कम रखते थे क्यों कम रखते थे क्योंकि रेट हमारा सही नहीं लग रहा था तो वो हमारे लिए फ़ायदा होता नहीं था तो हमको अंडर प्राइसिंग करनी पड़ती थी इन्वाइस की जो प्राइसिंग होती थी अंडर इन्वाइसिंग होती थी एक्सपोर्ट की तो क्योंकि वो क्या होता था सही से पैसा हमारे पास आता नहीं था लेकिन जब रुपी कन्वर्टेबिलिटी का हो गया और वो भी फुल्ली कन्वर्टेबल हो गई कि मार्केट रेट पे हो गई तो उनको पता है कि अगर वो कम इन्वाइस दिखाएंगे तो कम ही रुपया कन्वर्ट होकर आएगा उनके पास तो अब वो क्या करने लगे ये सब काम बंद कर दें इन्वाइसिंग को अंडर इन्वाइस करना या ओवर इन्वाइस करने का जो ये सब माल प्रैक्टिस थी वो सब के सब क्या हो गई बंद हो गई क्यों क्योंकि उनको पता है कि वो जितना दिखाएंगे उसका पूरा रिटर्न उनको मिल जाएगा फुल कन्वर्टेबिलिटी है जितना है उतने का कन्वर्ट होकर रुपया मिलेगा आपको तो इसके लिए इसकी वजह से क्या हो गया आपका जो माल प्रैक्टिस थी वो रिड्यूस हुई हैं राइट इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एडवांटेज आता है वो है सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म मतलब एक कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी क्या करता है खुद ही से सारी प्राइसेस को एडजस्ट कर लेता है वो अपने आप बैलेंस करता है कि कहीं किसी का फायदा कहीं किसी का नुकसान इस तरह सिचुएशन ना आए कि जैसे आर्बिट्रेज का और इस तरह की चीज़ों का फायदा होने लगे वो क्या करते थे बैलेंसिंग सिचुएशन लेके आते थे अब वो जैसे एक एग्जांपल से इस बात को समझिए कि सपोज करिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है अब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है इसका मतलब क्या निकला कि आपके कंट्री में इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किस चीज़ का है वो बात मैं नहीं कर रही हूँ कि विजिबल इनविजिबल रेमिटेंस किस बात की वो चीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसी के बेस पे बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है आपने बीओपी का वीडियो देखा होगा तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे सो so बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है तो इसका मतलब हमारा क्या निकला इसका मतलब हमारा निकला कि कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है राइट right? तभी तो डेफिसिट की साइड इसका मतलब पैसा हमारी कंट्री से ज़्यादा जा रहा है पैसा हमारी कंट्री में ज़्यादा आ नहीं रहा है तभी तो हमारा डेफिसिट है अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो मार्केट में जो आपका ये पूरा मार्केट प्लेस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसे हम कहते हैं वो मार्केट में क्या होगा आपका रेट कैसा लगेगा आपकी जो कंट्री की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी तो प्राइस कैसी होगी ज़्यादा होगी है ना आप एक सिंपल टर्म्स में भी जानते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ दस रुपये की बीस रुपये मिलने लगी वही चीज़ पहले दस में मिलती थी वही चीज़ अब बीस में मिल रही है इसका सेंस क्या निकालते थे कि प्राइस तो ज़्यादा हो गई लेकिन परचेजिंग पावर उस करेंसी की क्या हो गई कम हो गई डप्रिशिएट कर गई तभी तो दस की पावर थी उस सामान को खरीदने की अब बीस लोग मिलकर उसी सामान को ख़रीद रहे हैं तो बीस की पावर लग रही है इसका मतलब उनकी पावर कम हो चुकी है लेकिन प्राइस क्या दिख रहा है दस की जगह बीस हो गया ओवर प्राइस दिख रहा है दिख रहा है ना यही तो होता है तो अब यही समझिएगा कि अगर डेफिसिट है मतलब आपकी कंट्री में कंडीशन अच्छी नहीं है पैसा आपकी कंट्री से बाहर ज्यादा जा रहा है आ नहीं रहा है कम पता कम आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आपकी कंट्री की जो प्राइसिंग है जो रुपए की जो वैल्यू है वो वैल्यू डेप्रिसिएट होगी पर जो प्राइस है वो ओवर प्राइस दिखेगा दस की जगह बीस दिखेगा पर एक्चुअली जो पावर है वो क्या हो रही है वैल्यू जो हो रही है वो डेप्रिसिएट हो रही है हो रही होगी तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए तो प्रॉब्लम आएगी लेकिन ये जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी है ना वो उसको बैलेंस कर देता है अब इसी बात को समझिए इस तरह से पहले ये सिचुएशन समझ में आ गई कि डेफिसिट होगा तो एक्सचेंज ओवर वैल्यूड होंगे इसका सेंस यही निकला कि प्राइस ज्यादा लग जाएगी मतलब अगर एक डॉलर पचास रुपए का है ठीक है एक डॉलर पचास रुपए का चल रहा है क्योंकि डॉलर में हम जल्दी समझते हैं तो इस तरह से समझिए कि वन डॉलर टू तो फिफ्टी है अब हमारा अगर मान लीजिए अब डेफिसिट आ गया और ज़्यादा डेफिसिट आ गया तो अब क्या होगा अब इसका मतलब मेरी कंट्री की करेंसी और कमज़ोर हो जाएगी हम कं, हमारी कंडीशन कम है तो हमारी कं कंट्री की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी मतलब वो डप्रिशिएट करेगी तो अब प्राइस तो ज़्यादा लग जाएगी ना वही एक डॉलर ख़रीदने के लिए क्या अभी भी पचास रुपये लगेंगे नहीं अब हम कमज़ोर हो चुके हैं तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो मान लीजिए अब लग रहे हैं अस्सी रुपये तो इसका मतलब अब वही एक डॉलर पाने के लिए हमें कितने रुपये देने पड़ेंगे अस्सी रुपये देने पड़ेंगे इज इट क्लियर तो हम क्या दिखा रहे हैं कि प्राइस तो ओवर वैल्यू हो गया लेकिन वैल्यू क्या हो गई डेप्रिशिएट हो गई इस सेंस का यही इस लाइन्स का आप यही मतलब निकालिएगा तो सेल्फ मैकेनिज्म कैसे आप यही समझिएगा कि मान लीजिए कि आप आप इसको एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए आप एक पर्सन है और आप एक बिजनेस मैन है दूसरी कंट्री में आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है ठीक है सामान भेजा है और जो भेजा है आपने वो एक डॉलर का सामान भेजा है सिर्फ एक डॉलर का उसकी प्राइस कितनी लगी एक डॉलर वैसे आपको पचास रुपये मिलते हैं अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो एक डॉलर वन डॉलर के फिफ्टी थे तो आपको पचास रुपये मिलने थे लेकिन अभी डेफिसिट हो गई है तो इसकी वजह से ओवर प्राइसिंग हो गई है तो और आपकी कंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई इसलिए आप जो सामान एक्सपोर्ट किए हैं अब आपको वही एक डॉलर जो उन्होंने पैसा आपके लिए भेजा है ना सामान आपने भेजा पैसा उन्होंने भेजा एक डॉलर जो उन्होंने भेजा है जब आप कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो आपको अस्सी रुपये मिल रहे हैं अब एक बताइए आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ आपने सारा खर्चा जोड़ा था प्रॉफिट जोड़ा था और आपने प्राइस लगाई वन डॉलर की और बोल दिया सामने वाली कंट्री को कि वन डॉलर में आपको ये हम सामान भेज दे रहे हैं उसने आपको वन डॉलर भी भेज दिया लेकिन आप जब कन्वर्ट करने लगे इसके रुपये में तो पहले कन्वर्ट करते तो उसे पचास रुपये पाते अभी कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप कितना पा रहे हैं अस्सी रुपये पा रहे हैं तो आपको तो फ़ायदा मिल गया ना आपको फ़ायदा मिल गया है ना तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये क्या करता है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स क्या होता है कि लोअर प्राइस आपको दिखने लगती है आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलने लगते हैं तो एक्सपोर्ट तो इनकरेज होने लग जाता है वहीं इम्पोर्ट क्या हो जाता है डिस्करेज होने लगता है है ना अपने आप बैलेंस कर देगा अब इम्पोर्ट कैसे डिस्करेज होगा इस चीज़ को समझिएगा कि मान लीजिए आप वही सेम बिजनेसमैन है इस बार आपको एक डॉलर की पेमेंट आनी नहीं है आपको पेमेंट देनी है पहले आप देते पचास आप पकड़ाते और आप एक डॉलर का पेमेंट करके फ्री हो जाते थे अभी आपको अस्सी रुपये देने पड़ेंगे तब आप एक डॉलर का पेमेंट कर पाएंगे तो आपके लिए तो नुकसान हो गया ना तो इम्पोर्ट क्या हो जाएगा जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगी सामने डेफिसिट होने लगेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा अपने आप प्राइस बढ़ जाएगी जब प्राइस बढ़ जाएगी तो इम्पोर्ट अपने आप कम होने लगेगा क्यों कम होने लगेगा क्योंकि इम्पोर्ट में आपको फायदा नहीं दिखेगा आप जब इम्पोर्ट करेंगे और जब पेमेंट करने को आएंगे जो चीज़ का पेमेंट आप पचास में एक कर लेते थे वही अब आपको अस्सी दे एक कर पा रहे हैं तो आपके लिए लॉस जा रहा होगा और एक्सपोर्ट फायदे में हो जाएगा तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगेगा इम्पोर्ट कम होने लगेगा पैसा आने ज़्यादा लगेगा पैसा जो जा रहा था वो कम हो जाएगा तो अपने आप क्या हो गई सिचुएशन बैलेंस हो गई जो उल्टी सिचुएशन थी वो सीधी हो गई है ना डेफिसिट की सिचुएशन में क्या हो गया था डेफिसिट की सिचुएशन में पैसा जा ज़्यादा रहा था आ कम रहा था मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा था एक्सपोर्ट कम हो रहा था लेकिन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी की वजह से हो क्या गया एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया और इंपोर्ट कम होने लगा इसका मतलब पैसा आने ज्यादा लगा और जाने कम लगा तो अपने आप ये क्या कर दिया आपको बैलेंस कर दिया इसीलिए इसको क्या कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग वे कहते हैं तो इन दिस वे डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट गेट ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली करेक्टेड विदाउट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और इट्स सेंट्रल बैंक यहाँ पर ना आर कोई पॉलिसी लगाई ना कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लगाई अपने आप क्योंकि रेट में कन्वर्जन में कन्वर्जन के रेट में वेरिएशन आया उस में चेंजेस आए डेफिसिट की वजह से तो अपने आप इंपोर्ट करने वाले लोग कम हो जाएंगे बाहर से सामान मंगाने वाले लोग कम हो जाएंगे क्योंकि उनका नुकसान हो रहा होगा और जो बाहर सामान भेज रहे थे एक्सपोर्ट कर रहे थे वो लोग बढ़ जाएंगे अपने आप बढ़ जाएंगे तो अपने आप ये चीज़ क्या हो जाएगी डेफिसिट से सरप्लस की तरफ मूव ऑन कर देगी और सेम इसका अपोजिट होगा अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है अगर सरप्लस है तो आप जो वन डॉलर इजक्वल टू अस्सी था वो वन डॉलर इजकल टू फोर्टी आ जाएगा तो आप बोलोगे कि एक्सपोर्ट में आपको होगा कि भाई वन डॉलर हमको पेमेंट रिसीव होने वाली है एक्सपोर्ट के केस में लेकिन जब आप कन्वर्ट करने आओगे तो सिर्फ चालीस रुपये मिलेंगे तो आप क्या करोगे एक्सपोर्ट को कम कर दोगे वहीं इम्पोर्ट वालों को इंपोर्ट करेंगे तो एक डॉलर आपको पैसा देना था पहले आप देते तो अस्सी रुपये में एक डॉलर देते अभी आप चालीस रुपये दोगे और एक डॉलर का पेमेंट हो गया तो आपके लिए तो इंपोर्ट फायदे में हो जाएगा तो इंपोर्ट बढ़ने लगेगा एक्सपोर्ट कम होने लगेगा तो सर्फ प्लस के, के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो ये सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज़म है अपने आप सब चीज़ को बैलेंस कर देती है सो आई होप आपको क्लियर होगा कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी होता क्या है और ये कैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है अगर आप फॉर पढ़ रहे होंगे फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट तो इस बात को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे सो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच